नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एच ऑन गेमिंग में। तो हर बार की तरह आज जो है यहाँ पर हम फिर से खेले जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर वन। और ग्रैनी चैप्टर वन के ना लास्ट वाले एपिसोड में ना यहाँ पे हमने जो एस्केप है लाइक कार से जो एस्केप है वो यहाँ पे कर लिया था। और आज जो है यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं सीवर एस्केप, जो कि ग्रैनी के वर्जन 1.18 में आया है शायद से। तो ये जो है एक नया अपडेट है और इस नए अपडेट में जो एक और एस्केप आ गया है। तो आज जो है हम इसी एस्केप को करने वाले हैं। उसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ एक ही एस्केप जो है करने को रह जाएगा, जो कि है डोर एस्केप। उसको जो है हम बाद में करेंगे। तो फटाफट से इस गेम को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं अपना यहाँ पे सीवर एस्केप। ठीक है, तो यहाँ पर जो डे वन है ये हमेशा की तरह जो स्टार्ट हो चुका है। और अभी ना हर बार की तरह जो है मैं लाइक बेड पे लेटा होता हूँ, मतलब मैं 5 बार मर गया था लास्ट वाले एपिसोड में। और 5 बार ना लाइक मैं लेट के ही स्टार्ट हुआ, मतलब लेटने के बाद ही जो है खड़ा हुआ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हर बार की तरह इन ड्रॉवर को जो है मैं चेक कर लेता हूँ, इनके अंदर कुछ ढंग की चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो नानी होगी ना वो यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं होगी, वो बस सीढ़ियों पर होगी जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो वो जो सीढ़ियों तो यहाँ पर नहीं है सीढ़ियों पर। तो फटाफट से सबसे पहले तो अपनी जो सेफ वाली जगह है वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ सामान वगैरह मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट मेरे हिसाब से मुझे जो है सामान वगैरह नहीं मिलने वाला है। एक काम करता हूँ यहाँ पर अच्छा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रेंच मिली हुई है। अब रेंच का तो मेरे हिसाब से उस सीवर में तो यहाँ पे कोई यूज़ वगैरह नहीं था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ना मुझे जो बुक है वो यहाँ पे ढूंढ लेनी चाहिए। और बुक मैं कहाँ से ढूंढूँ, ये ना मेरे साथ ही साथ चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। नानी जो है यहाँ आती होगी, एक सेकेंड यहाँ पर आ गई। लाइक अब ना मुझे इससे ना पहले से डर नहीं लगता, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत तो डर लगना भी चाहिए क्योंकि नानी है। और नानी से वैसे सबको डर नहीं लगता होगा, सबकी नानियाँ जो अलग अलग होंगी, बट यहाँ पर ये जो है नानी ना ये वाली कोई दूसरी टाइप की नानी है, खतरनाक नानी है। एक सेकेंड, वो पीछे की तरफ ही आ रही होगी, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। मुझे बुक चाहिए क्योंकि बुक से ही वहाँ पर ना लाइक उसकी जो है एक और लाइक अंकल जी क्या कहते हैं उनको, नाना जी जो है वहाँ से बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो बुक यहाँ पर मुझे मिल चुकी है और वो यहीं कहीं होगी। ठीक है, ये रही। तो एक काम करता हूँ मैं ना यहाँ से नीचे की तरफ चल लेता हूँ, बच गया मैं बाल बाल। ठीक है, इसको यहाँ से हट जाना भाई, हट जा, एक सेकंड हट ही नहीं रहा। और राइट, अभी जाके हटा तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैं काम करता हूँ यहाँ से इस साइड में चल लेता हूँ, इसको ना गोल गोल घुमा देता हूँ मैं। चलो, अब यहाँ से जो दरवाज़ा है खुल चुका है, अब ये यहाँ अंदर की तरफ नहीं आ पाएगी। फटाफट से जाके ना ऊपर जाके वो जो बुक है वो यहाँ लगा देता हूँ, मतलब ये वाली जो बुक है ना नानी की ना उसमें लगा देता हूँ। यहाँ पर ना मुझे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी है, आवाज़ करूँगा तो वो ना यहाँ पर फिर से जो आवाज़ मेरी जो है सुन के आ जाएगी। चलो 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 चलो, अब ये वाला जो डोर है ये तो ऑलरेडी ओपन है। अरे हट जा रे कबाड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ गई। अभी ना यहाँ पर मैं कहाँ जाऊँ, एक काम करता हूँ यहीं पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आवाज़ हो चुकी है यहाँ पे, एक सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, बगल में खड़ी थी यार, नहीं 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 नहीं, क्या मजाक है। अभी ये भी नीचे से आ गई। चलो यहाँ से मैं अपनी सेफ वाली जगह पर चल लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब इसके पैर है क्या, इतनी ज़्यादा स्पीड में कैसे आ जाती है। इसके अंदर घुस के देख लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर तो मैं सेफ हूँ, इसके अंदर मुझसे कोई भी नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर जो है विंच हैंडल पड़ा हुआ है, तो विंच हैंडल तो मेरे हिसाब से किस काम आएगा, ये कुएं में काम आएगा क्योंकि लास्ट बार भी ये जो है कुएं में काम आया था। ठीक है, तो अभी ना सबसे पहले तो चाबी को लेकर ना मैं यहाँ पर नीचे की तरफ चल लेता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर देखना होगा कि वहाँ पर मुझे सीवर एस्केप करने के लिए आखिर में क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या आइटम्स की ज़रूरत है। यहाँ पर आराम से जाऊँगा मैं क्योंकि नानी का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाती है। ठीक है, चाबी पटक दे। ठीक है, तो उसने चाबी पटक दिया है, अब यहीं से जाऊँ। ठीक है, तो नानी जो है यहीं से आ रही है। अबे हट जाना यार, ये बीच में आ जाता है। किधर से आ रही है, क्या किधर से आएगी, किधर से आएगी, कहीं से नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ से आ रही है। चलो मैं जो ऐसे गोल गोल घुमा के नीचे चला जाता हूँ, मतलब ना मैं एक सेकंड यहाँ पे इसने वो डाल दिया है, क्या आईक्यू, दिमाग क्या लगाती है नानी। जहाँ से मेरा निकलना होगा वहीं पे ये जो है अपना जाल फेंक देगी। चलो 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 चलो, इसके अंदर चाबी लगा देता हूँ मैं और अभी चल लेता हूँ इस स्पाइडर केव के अंदर। अब यहाँ पे ना पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये जो अपनी लाइक इसके अंदर ना एक और लाइक बड़ी वाली स्पाइडर रहती है, जिसका जो चेहरा है ना वो एकदम ग्रैनी टाइप लगता है, मतलब ग्रैनी से थोड़ा सा बदसूरत है लेकिन लगता तो उसी के जैसा है। अब ये जो है ना, मतलब मुझे क्या लगता था पहले, ये जो है मतलब स्पाइडर मॉम है, बट ये ना स्पाइडर मॉम नहीं है। ये ना यहाँ पे इस, एक सेकेंड, ये जो आपने देखा ना, ये जो अभी देखा ना, ये ना स्पाइडर मॉम नहीं है, ये ना यहाँ पे ग्रैनी की बेटी है, मतलब ग्रैनी की डॉटर। अब ग्रैनी की डॉटर ग्रैनी की उम्र की कैसे हो जाएगी, ये मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, ये किधर गई है। मेरे हिसाब से वो यहीं पर गई है। तो अभी मुझे इस गेट के अंदर जाना है, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ठीक है ठीक है, तो मैं यहीं से चल लेता हूँ। मेरे हिसाब से वो साइड पे तो नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, पीछे की तरफ तो नहीं है ना, मुझे डर लग रहा था उससे, उसके बहुत बड़े बड़े नाखून हैं।
क्या कहूँ मैं, पैर कहूँ बोलूँ क्या बोलूँ। ठीक है, तो ये रहा अपना सीवर एस्केप करने की जगह। अब यहाँ पर मुझे चाहिए सबसे पहले तो आई नीड अ चेन कटर, यानी कि चेन कटर मुझे पता है मुझे कहाँ से मिलेगा, सेफ में से मिलेगा। आई नीड सम काइंड ऑफ लीवर, लीवर यानी कि लीवर कहाँ से मिलेगा, मेरे हिसाब से कुएँ का लीवर लग जाएगा इसमें क्या, लेकिन इसमें दोनों साइड से छेद है तो इसमें जो कुएँ का लीवर है ये नहीं लगने वाला है, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इसके बाद इसमें क्या लगेगा, आई नीड अ रस्टी पैडलॉक की। ये जो रस्टी पैडलॉक की थी ना, ये लास्ट वाले एपिसोड में उस कौए के पास थी, तो ये जो रस्टी पैडलॉक की है ना, ये मुझे कौए से लेके आनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले तो ना मुझे चाहिए पड़ेगा स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर से ही मैं उस सेफ की चाबी निकाल सकता हूँ। और उसके बाद मैं ये जो अपना सेफ में से ये वाला जो लाइक चेन कटर है ना, वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लाइक पहले तो उस कौए से ये वाली पैडलॉक की लेनी है, उसके बाद यहाँ पे सेफ में से चेन कटर निकालना है। अब यहाँ पे इसका मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दो का तो रास्ता पता है कि कैसे क्या मिलेगा, लेकिन एक का मुझे नहीं पता चल रहा कि वो कैसे मिलेगा। सबसे पहले ना यहाँ पे ऊपर की तरफ चल लेता हूँ, एक काम करूँगा, सबसे पहले जो कुएं वाला हैंडल है ना उसको यहाँ पे लेके आऊँगा, अगर लग जाए तो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे ना आवाज़ ही एकदम अलग सी आ जाती है, मैं किधर से जाऊँ, एक काम करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे भी है ना, इसके अंदर लास्ट टाइम मुझे क्या मिला था, इसके अंदर शायद से मुझे पता नहीं क्या मिला था, कुछ ना कुछ मिला था, हाँ पैडलॉक ही मिली थी, लेकिन यहाँ पे पैडलॉक की नहीं काम आने वाली है मेरे हिसाब से, वो जो है इस साइड में है, आ गई। ठीक है, अब ये यहाँ से आएगी, बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया ये, चलो यहाँ से आ नहीं पाएगी, तो अभी मैं क्या करूँ, यहाँ से भाग जाऊँ क्या, या इसके भागने का वेट करूँ, क्या करूँ मैं, इसके पैर देख रहे हो ना आप कितने ज़्यादा नुकीले, कितने पहने हैं, और कहीं से आपको ये नानी की बेटी लगती है क्या, मुझे तो कहीं से नहीं लगती, पता नहीं नानी की जो बेटी है ये लाइक ऐसी कैसे हो गई। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं नहीं जा रहा, इसे पहले भागने देता हूँ। ठीक है, चली गई, लेकिन यहीं पर खड़ी हुई है, इसका पैर मुझे दिख रहा है, बड़ी शातिर है नानी की तरह ना, अपना आई की यूज़ करती है, बहुत दिमाग वाली है ये। ठीक है, ये थी साइड में गई हुई है, चलो सीधी सीधी जाएगी, और मैं उस साइड से इस साइड चला जाऊंगा। ठीक है, चलती जा। ठीक है, पीछे देखने वाली है, लेकिन मैं तो यहाँ पे घुस गया, चलो ये रास्ता है ना, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर मैंने गैरेज वाला जो रास्ता है ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर शॉटगन भी पड़ी है, अब तक ना मैंने यहाँ पर जो शॉटगन है वो बोला एक असेंबल लिखी है, और मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अभी नानी इधर आएगी, फटाफट इसके अंदर चला जाता हूँ। ये जो व्हील है ये भी लाइक मेरे काम आ सकता है, तो इसको लेके चलूँ क्या, क्योंकि इससे ना मेरे लिए एक रास्ता और खुल जाएगा, इसको लेके जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, इसको मेरे हिसाब से लेके जाने की उतनी कोई ज़रूरत है नहीं है, मैं नहीं लेके जा रहा, भाड़ में जाए। तो यहाँ पर जो नानी का वेट कर लेता हूँ, नानी आ गई, देखो जैसा मैंने कहा था ना, नानी को ना आवाज़ जैसी सुनी ना हाल क्या आ जाती है। ठीक है, तो अभी ना सबसे पहले तो मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और स्क्रू ड्राइवर के लिए ना यहाँ पर मुझे लाइक स्क्रू ड्राइवर ऊपर की तरफ रखा रहता है, तो ना उसको मुझे नीचे कराना पड़ेगा, और उसके लिए ना यहाँ पर मुझे वेपन की चाहिए, और वेपन की जो मुझे है मेरे हिसाब से इसकी कार की डिग्गी मिलने वाली है, तो कार की डिग्गी के लिए मुझे यहाँ पर कार की चाहिए होगी, कार की मुझे किधर मिलेगी ये मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, लास्ट टाइम पता नहीं मुझे किधर मिली थी कार की। ऑल राइट, सबसे पहले तो यहाँ पर बाहर की तरफ चल लेता हूँ मैं, और कार की ढूंढने के लिए मुझे मेरे हिसाब से ऊपर वाले कमरों में जाना पड़ेगा, मेरे हिसाब से नानी है वो यहीं गई हैं, गई नहीं है, ठीक है वो गई है। अभी मुझे कार की जो बैटरी वगैरह है इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं क्या करूँगा कार की बैटरी का, क्योंकि मुझे कार से ऐसे थोड़े ना करना है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे ना मुझे आवाज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ करूँगा तो वो ना यहाँ पे आ जाएगी मैं, और फिर ऊपर जाके ना अपनी वो जो चाबी है वो यहाँ पर लेके आ पाऊँगा। तो एक काम करता हूँ, इस बैटरी को उठा लेता हूँ, अपनी वाली जगह पर रख लेता हूँ, और यहाँ पर फेंक देता हूँ। ठीक है, अभी वो आती होगी नानी, और मैं यहाँ से फटाफट से जो है ऊपर की तरफ चल लेता हूँ, यहाँ पर बस वो जो है धप्पा ना कर दे, नहीं करेगी, मतलब कैसी है नानी यार, ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है। खैर ठीक है, अभी जो यहीं कहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लास्ट टाइम मुझे जो है यहाँ मिली थी, तो यहीं मिल जानी चाहिए, यहीं कहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, तो कार की जो है मुझे मिल चुकी है, मतलब सारी की सारी जो चीज़ें जो है वो वहीं हैं जहाँ लास्ट टाइम थी, तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाल के हाल में अपना जो काम है वो यहाँ पर निपटा लूँगा। अब ये जो मुझे कार की मिल चुकी है, फटाफट से कार की के पास जाता हूँ, और वहाँ पर जाकर मैं ओपन कर लेता हूँ कार की डिग्गी, और कार की डिग्गी में से मुझे जो है मिल जाएगी सेफ की। ठीक है, तो कार की डिग्गी किधर है, कार की डिग्गी नीचे की साइड है, तो इसको चाबी को यहाँ फेंकता हूँ, इसको उठा के ना मैं इस साइड में फेंकता हूँ, क्योंकि अभी ना मैं चाहता हूँ कि वो जो है यहाँ पर आए,
ठीक है, आवाज़ तो मैंने कर दिया, अभी आती होगी थोड़ी देर में, और मैं चाबी लेके निकल लेता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे उसने लाइक कितनी ज़्यादा चालाक है, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ उसी रास्ते पे उसने लाइक अपना जो फंदा है वो यहाँ पे बिछा दिया, जिससे कि आवाज़ हो और फिर वो जो है आके मुझे पकड़ ले। ठीक है, चलो यहाँ पे आवाज़ हो गई है, वेपन की तो जो है मुझे मिल चुकी है, अभी वो यहीं पर आती होगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसे यहाँ आने में। खैर एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर गिरा देता हूँ। खैर यहाँ पर गायब भी हो गया उसका जो फंदा था, अभी क्या करूँ, ये वेपन की को ना ले जाके वहाँ लेके जाता हूँ, वो यहाँ से तो चली गई होगी, मतलब आवाज़ कर दो ना तो ज़्यादा बेटर रहता है, वो आ नहीं पाती इस साइड में। फटाफट से यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सबसे पहले तो नीचे जाके ना इसको यहाँ पे मैं नीचे की तरफ फेंक दूंगा, और इसको फिर से उठा के ना ऊपर से एक और लेके आ जाता हूँ, क्योंकि एक तो मुझे नानी के लाइक बॉडी पे लगानी पड़ेगी, और एक से जो है मुझे अपना, एक सेकंड उसको आवाज़ आ, मुझे ना उसकी आवाज़ आ रही है, वो बोल रही है कि मुझे यहाँ पे हाइड एंड सीक वगैरह तो नहीं खेलना ना। चलो 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 चलो, यहाँ पे वापस रख गया, अभी तो नीचे की तरफ गिरा हुआ था। खैर अभी मैं नानी को बुला लेता हूँ इसको यहाँ से उठा के। वैसे मुझे करना क्या है अभी, हाँ ऊपर जाके ना उस स्क्रू ड्राइवर को गिराना है, और उसके लिए मुझे नानी को बेहोश करना पड़ेगा, इतना पक्का है। चलो आ जाओ नानी, अभी मैं रेडी हूँ, 1 2 एंड 3। चलो एक सेकंड, ये क्या हुआ, चलो 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 यहाँ से जो है ऊपर की तरफ। अभी ये जी जाल भी जाएगा क्या मेरे साथ साथ, अरे हट जा रही जाल, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं कहाँ भूल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे, और इसकी ज़रूरत फिर से पड़ने वाली है। चलो 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 अभी इसकी, अरे हट जा ना नानी यार, हट जा, क्या है मैं एक और मारूँ क्या, हट जा यहाँ से। ठीक है 1 2 एंड 3, ठीक है गिरा, स्क्रू ड्राइवर गिर गया है। अब सेफ की जो चाबी है ये जो है मुझे मिल जाएगी, बट उससे पहले इसको जो है मैं नीचे की तरफ रख के आऊँ, क्योंकि ये जो है बड़ी ही काम की चीज़ है। अभी फटाफट से उस सेफ को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, उसके अंदर से मुझे बढ़िया सी चीज़ मिल जाएगी, यानी कि मुझे जो है सेफ की चाबी मिल जाएगी, और सेफ की चाबी में से मुझे मिल जाएगा कटिंग प्लायर, यानी कि यहाँ पर जो है मेरा एक काम तो हो गया बड़ी आसानी से। ये खुल जा, ये खुल जा, चलो और यहाँ मिल गई है सेफ की चाबी। अभी फटाफट से यहाँ पे नानी जो है गायब हो चुकी है, यानी कि वो उठ गई होगी, खैर इतनी जल्दी तो नहीं उठी होगी। चलो यहाँ पर मुझे कटिंग प्लायर मिल चुका है, अभी कटिंग प्लायर को जाके मेरे हिसाब से मुझे जो है उसके अंदर डाल देना चाहिए। तो बैटरी को उठा के मैं यहाँ पे आवाज़ कर देता हूँ, जिससे कि वो नानी इधर आ जाएगी, और फिर मैं जो है नीचे की तरफ चला जाऊँगा। चलो कटिंग प्लायर को जाके ना मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं अपना सामान वगैरह फेंक सकता हूँ यहाँ पे। उसने फंदा तो नहीं डाला, नहीं डाला। चलो 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 चलो, ये गया इसके अंदर, चला जा, 1 2 3। अभी नानी आती होगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने तीन तीन आवाज़ जो है कर दी है। चलो यहाँ पे फटाफट से उसका वेट कर रहा था। अब ना यहाँ पर मैंने इस जगह पे इसलिए डाल दिया क्योंकि मैं अब जब भी स्पाइडर चैम्बर में जाऊँगा ना, तो मुझे जो चीज़ें हैं वो बड़ी जल्दी मिल जाएंगी, मुझे ना मतलब वापस से यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा चीज़ों को लेने के लिए। अभी यहाँ पे नानी का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं यहाँ से फटाफट से निकल लूँगा। और अभी ना मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे रस्टी पैडलॉक की चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा उस कौए के पास, और वो जो कौआ है मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ बैठा होता है, ऊपर की तरफ ही होता है ना, नहीं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ नहीं होता, वो कहीं और जगह पर होता है, किधर होता है वो, ठीक है समझ गया मैं कहाँ होता है वो। चलो अभी जो है मैं उसी के पास चल लेता हूँ, वैसे मुझे ठीक से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे कहाँ मिलेगा कौआ, कौआ किधर मिलेगा, कौआ किधर मिलेगा, पता नहीं किधर मिलेगा। खैर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, नानी मेरे हिसाब से बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी जो नानी है वो यहाँ पर नहीं आई है। चलो चलो कौए के पास यहाँ तो चलेता हूँ, क्योंकि वो यहाँ से कभी नहीं आती, वो ना हमेशा उस साइड से आती। एक सेकंड, ये आ गई, आ जा 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 आ जा, ये ना मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, अब तो मैं इसे डरता भी नहीं हूँ। आ जा आ जा, क्या करेगी, मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। अब क्या करूँ मैं, कुछ कौए के पास जाता हूँ, कौए के पास जाने के लिए खैर पहले मैं इसको बेहोश कर देता हूँ। आ जा इधर आ जा, एक सेकंड मैंने वो तो रिलोड ही नहीं की, चल ये ले। चलो अभी फटाफट से मैं कौए को देखने चलता हूँ, कौआ पता नहीं किधर मिलेगा मुझे। कौए के पास ना मुझे उस चाबी को चाहिए, बट ना मैंने लास्ट टाइम जो है कौए को हाथ लगाने की कोशिश की थी, तो कौए ने क्या किया, कौए ने ना मेरे हाथ में मार दिया, और ना मैं उसको लाइक एरो से भी नहीं मार सकता हूँ, ये सबसे प्रॉब्लम वाली बात है। चलो कौआ जो है इस वाले गेट के अंदर मिलेगा मुझे, जहाँ तक मुझे पता है, अगर इसके अंदर नहीं मिला ना तो फिर कहीं और मिलेगा वो, ठीक है। तो इसके अंदर तो जेल है, और यहाँ पर तो मुझे गैसोलीन वगैरह मिलेगा, इसके अलावा तो यहाँ कुछ है नहीं है। यहाँ पर एक स्पेशल की चाहिए, यहाँ पर हैमर चाहिए, और इस जगह पे मैं जाऊँगा तो नीचे की तरफ गिर जाऊँगा, जैसे कि मैं पिछली बार गिर गया था।
ठीक है, तो मुझे किधर मिलेगा किधर मिलेगा, ठीक है तो एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ जाकर देखता हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ एक और सीक्रेट पैसेज है और वहाँ से मैं अगर जा पाऊँ तो अच्छी बात है, और मैं वहाँ से ना यहीं से जा पाऊँगा। मतलब सीवर को एस्केप करने के लिए ना इतना ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे जितने मुझे जो है कार को एस्केप करने में बेलने पड़े थे। मतलब कहाँ कहाँ जाना नहीं पड़ा उसके चक्कर में मुझे। चलो इसके अंदर से है शायद वो सीक्रेट रास्ता, यहाँ वो कौवा मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है इसके अंदर कुछ होगा, इसके अंदर कुछ है क्या? ठीक है तो यहाँ पे जो है मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ है और एक तरबूज का, और ये भी एक रास्ता है उसी के स्पाइडर केव के अंदर से। चलो ये रहा बैठा कौवा, अब कौवा ना यहाँ से ये चाबी मुझे देगा नहीं, ये रस्टी पैडलॉक की मुझे लग रही है क्योंकि यहाँ पे जंग तो लगी है, ये कौवे को हाथ लगाऊंगा तो ये मारेगा। आ ठीक है, ठीक है तो इसकी प्लेट में पड़ी है लेकिन यहाँ पे एम्प्टी है ये, मेरे हिसाब से इसको मुझे खाना वगैरह देना पड़ेगा तभी ये चिल्लाएगा नहीं, मेरे हिसाब से नानी ना आ जाए। नहीं आ रही ना, ठीक है वो यहाँ पर नहीं है, वैसे मैंने उसे सलाह दिया था, तो अभी ना मुझे उसका खाना ढूंढना पड़ेगा। अब खाना पता नहीं मुझे किधर मिलेगा, खाना मुझे पता नहीं किधर मिलने वाला है, तो एक काम करता हूँ सबसे पहले तो अपना एक काम करता हूँ, वो शायद से वो मीट का टुकड़ा खा ले, तो मीट का टुकड़ा खाने के लिए तो एक काम करता हूँ सबसे पहले तो इस बैटरी को यहाँ पर मैं गिरा देता हूँ जिससे कि जो नानी है वो यहाँ पर आ जाए। बैटरी का मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे किधर जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे ना ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है ऊपर की तरफ क्यों जाऊँगा, लेकिन मुझे जाना तो नीचे की तरफ ही है ना। एक सेकेंड, मुझे उसका टुकड़ा चाहिए तो उसका मुझे गेट खोलना पड़ेगा पहले, उसी के बाद जो उसका टुकड़ा ले पाऊँगा मैं। ठीक है तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे नीचे से जाना पड़ेगा ना, तो मतलब नानी को फिर तो चलाना पड़ेगा मुझे। आ जाओ नानी, आ जाओ आ जाओ। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर थोड़ी देर बाद रख जाती हैं अपनी अपनी प्लेस पर, जैसे कि अभी ये रख गई। आती क्यों नहीं आ रही नानी, बुढ़िया के कान खराब हो गए। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, नहीं आएगी ये, क्या करूँ अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ बट ये आ नहीं रही है। ठीक है आ गई है, इसको इंजेक्शन लगा के ना मैं किधर जाऊँ सबसे पहले तो मुझे बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, उस मीट का टुकड़ा लेके आना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मीट का टुकड़ा लेने चलता हूँ अभी मैं, मीट के टुकड़े से शायद से अपना जो काम है वो बन जाए, और मीट के टुकड़े को खोलने के लिए मुझे ये वाले जो सिरिंज है इसको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर शॉटगन होती तो शॉटगन को भी यूज़ कर सकता था मैं, लेकिन शॉटगन जो है मुझे असेंबल करनी पड़ेगी और उसमें मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है शॉटगन को असेंबल करने में, इसलिए मैं जो ऐसी को यूज़ करूँगा सिरिंज को, बस निशाना लग जाए मेरा पक्का तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको मैंने शायद एक बार खोल चुका हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खोल चुका हूँ इसको, थोड़ा ऊपर से निशाना लेना पड़ेगा मुझे। 1, 2 एंड 3, ठीक है खुल गया बढ़िया, एक ही बार में एक शॉट लग गया। चलो मीट का टुकड़ा, एक सेकंड सिरिंज कहाँ गई मेरी? ठीक है क्या करूँ, मुझे यहाँ पे फेंकना पड़ेगा बट मैं फेंकना नहीं चाहता, तो एक काम करता हूँ इसको मैं इससे मार दूँ क्या, मरेगा नहीं जहाँ तक मुझे पता है, तो अपने इस ऑब्जेक्ट को ना मैं यहाँ पे गिरा दूँ। नानी तो अभी नहीं आएगी जहाँ तक मुझे पता है, ये वाला दरवाज़ा खुल ही गया है। वैसे मैं फालतू में वहाँ पर घूम के आया, मैं यहाँ से भी जा सकता था बड़ी आसानी से। अभी मीट का टुकड़ा ना उसको कौए को खिला देता हूँ, वैसे कौआ मीट खाता है क्या? अगर खाता है तो ज़रा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, वैसे मेरे हिसाब से खा तो लेना चाहिए क्योंकि कौआ तो भूखा है और ये खा तो ले गई। चलो इसकी प्लेट में डालूंगी या डायरेक्ट डाल दूँ? डायरेक्ट डाल नहीं, डायरेक्ट नहीं डालूंगा, उसकी प्लेट में डाल देता हूँ मैं। अरे एम्प्टी बोल यार, अभी भी दिखा रहा है, डायरेक्ट दे देता हूँ उसको। अरे यार मतलब ये ही नहीं खा रहा, शिट अब ये भी नहीं खा रहा, तो इसका क्या करूँ मैं? इसको मैं नीचे की तरफ ही लेके चले जाता हूँ, शायद से इसका कहीं और काम हो। कौवे ने काँव काँव कर दिया तो मतलब जो नानी अगर उठ गई होगी तो आती होगी बस। ठीक है तो अभी ना मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, किधर जाऊँ किधर जाऊँ किधर जाऊँ किधर जाऊँ। एक सेकेंड मैं ना बाहर की तरफ ही चल लेता हूँ, बाहर की तरफ ना मैं अभी जाता हूँ। एक काम करता हूँ इसको पटक देता हूँ बाहर की तरफ, जिससे कि जो नानी है वो उस साइड में आएगी, मेरे जग तो कही होगी अब तक तो जहाँ तक मुझे पता है। चलो नानी आ जाओ, और अभी मैं यहाँ से चल लेता हूँ बाहर की तरफ। ठीक है बाहर की तरफ ही चल लेता हूँ फिर से, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो पकड़ लेगी मुझे, क्योंकि वो जैसे ही मैं गेट के सामने से निकलता हूँ ना तो घंटरियाँ बज जाती हैं और मैं नहीं चाहता कि घंटरियाँ जो है बजे। अरे चलना बाहर। ठीक है इसके अंदर फिर से जाऊँ क्या मैं? इसके अंदर चाबी मिल जाएगी? नहीं इसके अंदर नहीं जाता मैं ना, इसके अंदर जाता हूँ। वैसे नानी ना यहाँ पर भी, एक सेकंड घंटी बज गई। चलो मैं यहाँ से निकल लूँगा, इसके अंदर ना एक और सीक्रेट रास्ता है, शायद से यहाँ से मेरा जो काम है वो बन जाए। वैसे ये वाला जो रास्ता है ये भी वहीं जाके खुलता है। ठीक है यहाँ पर तो इसको तो लाइक लास्ट टाइम मैंने पढ़ लिया था, तो यहाँ पर ये एक स्पेशल की पड़ी हुई है और स्पेशल की शायद से ऊपर की तरफ लगेगी ना। ठीक है नानी तो नहीं है ना इधर, ठीक है चलो स्पेशल की को मैं किधर जाके लगाऊँ? एक सेकंड मुझे ऊपर जाके लगाना होगा इसको, एक सेकंड यहाँ पे आ गई है तो इसको बेहोशी कर देता हूँ। लेकिन मेरा वो किधर है? एक सेकंड मेरा वो ये रहा और मेरा ये रहा,
अरे आजा इधर, आजा इधर, आजा 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 इधर हूँ मैं, आजा 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 आजा, ये ले सुई खा और मेरी सुई वापस दे दे। चलो अभी मैं स्पेशल की को जाके जो है ऊपर की तरफ लगा आता हूँ, शायद से वहाँ पे मेरा जो काम है वो बन जाए। फटाफट से ऊपर की तरफ चलता हूँ मैं। अब नानी तो जो है 2 मिनट के लिए सो गई है, तो ज़्यादा बढ़िया है, बस ये उसके अंदर लग जाएगा तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। और पता नहीं मेरा जो पैर में पता नहीं क्या हो गया, मैं ना यहाँ पे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ। वैसे नानी ने लाइक डंडे से मारा होगा मेरे पैर में, इसलिए लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ मैं। यहाँ पे लगे गेट सेफ की, क्योंकि यही ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है खुल चुका है, अब इसके अंदर ऊपर की तरफ क्या है, सेकेंड यहाँ पर क्या है, ठीक है यहाँ पर मकड़ी के जाले क्यों लगे, और यहाँ पर ये क्या बटन क्यों दिया हुआ है पता तो नहीं है वैसे मुझे। और ये क्या है भाई, एक सेकेंड, एन एम्प्टी प्लेट, यहाँ पर भी एम्प्टी प्लेट। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर कौआ वगैरह तो है नहीं है, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, आगे चलूँ क्या, मैं नहीं जा रहा। मुझे क्या लग रहा है इसके अंदर कोई बैठा है क्या, इसके अंदर कोई बैठा है मुझे ऐसे लग रहा है, तो मैं कुन्ने कुन्ने से होते होते जाता हूँ। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, यार नानी ने अपने घर में ये मकड़ियाँ भी पाल रखी हैं। मुझे लगा कि ये मकड़ी काटेगी नहीं मुझे, क्योंकि नीचे की तरफ रिसीवर में कितनी सारी मकड़ी थी और उन्होंने मुझे काटा नहीं था, बट इसने मुझे काट लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो अभी मेरा डे वन ही था, डे वन में ही जो है मैंने लगभग लगभग एक ही चीज़ ढूंढ पाई अभी तक सीवर को एस्केप करने, मतलब सीवर से एस्केप करने के लिए। अभी यहाँ पर मुझे और भी चीज़ें जो है ढूंढनी होंगी, दो चीज़ें बची हुई हैं, मतलब मुझे दूसरी चीज़ भी मिल गई है, लेकिन वो कौआ जो है ना वो यहाँ पर छोड़ ही नहीं रहा, क्या करूँ मैं। खैर वहाँ पे ना एक एम्प्टी प्लेट थी, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो मीट निकाला था ना वो उस एम्प्टी प्लेट में डाल के देखता हूँ, शायद से उस मकड़ी को मीट खाना पसंद हो, क्या पता। वैसे मकड़ियाँ कब से मीट खाने लगे, मकड़ियाँ तो कभी मीट नहीं खाती ना, वो तो लाइक नहीं मीट तो खाती हैं, वो लाइक इंसेक्ट्स को ही खाती हैं। कौए मेरे हिसाब से इंसेक्ट को वो भी खाते हैं, मतलब दोनों की दोनों खाते हैं, लेकिन ये एक अजीब सा लॉजिक है कि यहाँ पर बस एक ही मतलब इंसेक्ट जो है, मतलब कि अपना जो कौआ है वही मीट नहीं खाता, और जो स्पाइडर है अभी उसका भी नहीं पता मीट खाएगी या नहीं खाएगी। ठीक है, तो नानी आ गई है तो इसको मैं सुला देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो अभी मेरी सुई कहाँ गई, मैंने गलत जगह पे मार दिया नानी के। चलो अभी इसको मीट को उठा के लेके चलता हूँ ऊपर, भैया रास्ता ना बहुत ज़्यादा लंबा है इसका, प्लस मतलब छोटा होता तो ज़्यादा बेटर रहता, कौए का रास्ता तो बहुत छोटा है, इसका रास्ता बहुत लंबा है स्पाइडर का। चलो 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 चलो, अभी इसको जो है मुझे खाना दे के आना होगा, इस मकड़ी को, मतलब मकड़ी को भी खाना दे के आना पड़ रहा है, कैसे कैसे दिन आ गए हैं। मतलब लाइक डॉग को खाना तो देना समझ आता है, मकड़ी को खाना देना कुछ अजीब सा है, कौए को खाना देना भी समझ में आता है। चलो ठीक है, कौए को पानी वगैरह पिला देते हैं अपन, लेकिन ये जो मकड़ी है ये बस, मतलब लास्ट टाइम मैं यहाँ तक पहुँच गया था तो अटैक नहीं किया था इसने, बट मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो है खाना इसी को खाना है। अभी क्या ढूंढूँ मैं, इसके यहाँ कुछ है क्या, नहीं इसके यहाँ नहीं है, खाना जल्दी ख़त्म कर देगी, इसमें क्या है। ऑल राइट, तो ये क्या बर्ड सीट, एक सेकंड यहाँ बर्ड सीट पड़ी हुई है, मतलब मुझे जो है कौए का खाना भी मिल गया, मतलब एक सेकंड, नाइन नाइन शीट 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 शीट, मुझे फेंक देना चाहिए था यार उसको सीढ़ियों पे, गलती कर दी मैंने, मतलब डे थ्री स्टार्ट हो गया, मतलब इस मकड़ी ने दो बार जो है मुझे काट लिया है। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है डे थ्री स्टार्ट हो चुका है मेरा, और ना मुझे मेरे हिसाब से मुझे दो चीज़ें जो है मिलने वाली है, क्योंकि अगर मैं उस कौए को खाना खिला दूंगा तो मेरे हिसाब से वो चाबी छोड़ देगा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि वही चाबी जो है उस सेफ के अंदर जाके लगेगी नीचे सीवर में या फिर नहीं लगेगी, उसका भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म होता तो बढ़िया था, 3 दिन चले जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा, अभी नानी नाम सीधे यहीं आएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि उसे ना यहाँ पे गेट जो है ओपन किए हुए मिल जाएंगे। चलो चलो चलो, मकड़ी के पास नहीं जाऊँगा मैं, अब यहीं से उठा लूँगा मैं, उठ जा उठ जा, ठीक है यहीं से उठ गया मैं, जाए नहीं रहा इसके पास, भाड़ में जाए। वैसे वहाँ बटन भी लगा हुआ था, पता नहीं वो जो बटन है वो किस काम आएगा। चलो चलो, नानी तो नहीं आ रही ना, नहीं आ रही ना, ठीक है एक सेकेंड। अरे यार ये क्या मजाक था, ये नानी ना फिर से आ गई मेरे पास, चौथा दिन हो गया ये शिट, डी थ्री भी, मतलब उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही उसके पैरों की, कम से कम वो आवाज़ तो कर दे, बड़ी सयानी है ये नानी। अब यहाँ पे जो डी फोर जो है स्टार्ट हो चुका है, अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं, अभी ज़रा मुझे संभाल के खेलना होगा पड़ेगा, मतलब मैंने 1 दिन में जितना काम कर दिया था ना उतना तो यहाँ पे मैं 3 दिन में नहीं कर पाया पिछले, और 3 दिन मेरे जो है बर्बाद चले गए पूरे। चलो अभी यहाँ पे डे 4 जो है स्टार्ट हो चुका है, अभी तो बस मैं जो है कोशिश ही कर सकता हूँ कि डे 4 में जो है लाइक लगभग लगभग सारी की सारी चीज़ें हैं वो मैं निकाल लूँ। जो नानी ना यहाँ ना खड़ी हो, बस मुझे बड़ा संभाल के जाना पड़ेगा इस नानी से, पैरों से आवाज़ भी नहीं करती। ठीक है
यहाँ पर नहीं है, चलो बढ़िया। नीचे भी ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। मुझे आवाज़ आ रही है लेकिन, ठीक है नहीं है, बढ़िया। चलो यहाँ पर मैं सेफली आ चुका हूँ। अभी इधर मुझे डर थोड़ा कम लग रहा है। खैर अभी मुझे क्या करना है, मेरी वो बर्थ शीट किधर गई? मेरी बर्थ शीट ना वहीं पे पड़ी होगी। शीट, मैं बर्थ शीट को वहाँ पे भूल ही आया। तो यहाँ नानी को बुलाता हूँ पहले। तो मेरा वो किधर है? क्रोबार गिरा, क्रॉस बो। मैं भी क्रोबार, क्या क्या बोल रहा हूँ। चलो आ जाओ नानी, आप ही का वेट है। वैसे मैंने आवाज़ तो कर दी, उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ मार ही दूँ, क्योंकि मेरा जो है D4 चल रहा है और मैं नहीं चाहता अभी मैं मर जाऊँ। इसलिए मैं जो है इसको लाइक सेफली यहाँ पे खेलूँगा। चलो इसको यहाँ पटक देता हूँ। अभी बर्ड की जो सीट है वो यहाँ पे लेके आता हूँ ऊपर से। ग्रैनी गई 2 मिनट के लिए, यहीं कहीं उसने मारा था ना मुझे, यहीं कहीं मारा था उसने मुझे, यहीं कहीं पड़ी होगी। ठीक है ये रही, अभी बर्ड सीट को मिल गई है। तो अभी फटाफट से उसको, कौए को जो है खाना खिला देता हूँ। बस मुझे ना उस कौए से ज़रा जल्दी उस चाबी को लेना होगा और देखनी पड़ेगी मुझे चाबी है वो कौन सी थी। अगर मैं देर कर दूंगा ना तो वो स्पाइडर की तरह मुझे जो है फिर से काट लेगी। चलो हट जाओ कौआ, गिरा कौआ। इस पर डालूँ क्या? ठीक है तो यहाँ पे डल गया है और कौआ यहाँ पे खाना खाने आ गया है। और ठीक है ये क्या पड़ा था, क्या कौन सी की है ये? रस्टी पैडलॉक की। ठीक है तो ये वाली जो की है ये वहाँ पे काम आ जाएगी। कौआ वापस चला गया, कितना ज़्यादा चालू है ये कौआ भाई, कितना चालू है, स्पाइडर की तरह है बिल्कुल दोगला। मतलब जो इसे खाना देता है उसी को काटता है। अभी मैं इस चाबी का क्या करूँ, मुझे इसको चाबी को लगाना होगा सीवर में, यानी कि मुझे नानी तो अभी उठी नहीं होगी सोके, क्योंकि अभी 2 मिनट मुझे नहीं लगता हुए होंगे। फटाफट से इसको भी जो है सीवर में डाल के आता हूँ मैं। चलो 1, 2 एंड 3 गई, बढ़िया। आवाज़ हो चुकी है बट नानी अभी नहीं आएगी, नहीं आ रही ना, ठीक है। तो अभी क्या चाहिए मुझे, अभी यहाँ पे एक चीज़ चाहिए, मतलब दो चीज़ें जो है मुझे मिल चुकी हैं। एक तो कटिंग प्लायर मिल चुका है और जो पैडलॉक की है वो भी मिल चुकी है। अभी यहाँ पे मुझे एक टाइप से लाइक एक डंडा चाहिए, मतलब एक हैंडल चाहिए। तो ऊपर के साइड एक हैंडल पड़ा हुआ था, उसको यहाँ पे लगा के वहाँ पे डाल देता हूँ, शायद से वो जो हैंडल है वो काम आ जाए। वैसे अब वो वाली जो स्पाइडर की, मतलब ये जो नानी है उसकी बेटी जो है वो ना मुझे खा ले। आ रही है क्या? आ जाए तो बेटर है। चलो 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 चलो, आ जा आ जा आ जा आ जा ना। आने में कितना टाइम लगेगा इसको? आ जाओ आ जाओ, नहीं आएगी मेरे हिसाब से, अभी सो के नहीं उठी होगी ये। चलो वैसे मेरे हिसाब से वहाँ पे अगर विंच हैंडल लगता तो वहाँ पे कुएं में, मतलब कुएं में भी वही हैंडल कैसे लग सकता है? मेरे हिसाब से मुझे ना एक कोई दूसरा हैंडल ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि वो जो हैंडल है वो तो कुएं के लिए होगा, क्योंकि मतलब एक चीज़ ना एक ही में फिट हो सकती है, एक चीज़ जो है दो चीज़ों में फिट नहीं हो सकती। और वहाँ पर ना एक, मतलब दोनों साइड जो है ओपन था, ओपन का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब कि दोनों साइड ओपन था, मतलब कि वो जो विंच हैंडल है, मतलब कुएं का जो हैंडल है वहाँ पे काम नहीं आ सकता। ठीक है नानी क्यों नहीं आ रही? आ रही है, इतनी गहरी नींद में सो गई, घोड़े बेच के सो गई। अब नहीं आया तो ज़्यादा बेटर, मैं अपना काम ही ना कर लूँ सारा का सारा। आ जा नानी नानी नानी, आ जा आ जा आ जा, ये नहीं आएगी तो मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो है नानी का नाम लिया और ये जो नानी है ये यहाँ पे हाजिर है। फटाफट से जो इंजेक्शन दे देता हूँ मैं। चलो इसके हमेशा ना मैं पीट पर ही मारता हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ पे नीचे बैठा हूँ ना, इस चक्कर में पीठ पर ही निशाना पड़ता है, चेहरे पर निशाना नहीं पड़ता। चेहरे पर मार दूंगा ना तो उसका जो चेहरा है वो यहाँ पे सूज जाएगा। वैसे तो चेहरा देखने लायक तो है नहीं, सूज के देखने लायक कहाँ से होगा। मैं बैटरी अपने साथ क्यों ले आया फालतू में, इस बैटरी को यहीं पटकता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई हैंडल वगैरह ढूंढना पड़ेगा। अब मुझे हैंडल किधर को मिलने वाला है, किधर ढूंढूँ मैं अपना हैंडल, पता नहीं किधर ढूंढूँ। एक साइड ऊपर की तरफ ना यहाँ पे एक और जगह थी, यहाँ पर एक और जगह थी कि नहीं थी? एक सेकंड, यहाँ जगह नहीं थी, कौए के पास जगह देखी थी मैंने वाली, और उस जगह को शायद मैंने अभी ओपन भी नहीं किया था। और उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर मुझे चाहिए था हैमर। अब हैमर पता नहीं मुझे किधर मिलेगा, हैमर शायद से मुझे उसी के केव के अंदर मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो विंच हैंडल है ये ले जाता हूँ और यहाँ पे दोनों काम हो जाएंगे। इसको लगा के देख लूँगा वहीं के वहीं सीवर के अंदर, और अगर ये लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दूसरा हैंडल जो है आके ढूंढ लूँगा। ठीक है मैं ना इसकी बात कर रहा हूँ, इसको ना मुझे ढूंढने की, मतलब इसको खोलने के लिए मुझे हैमर की ज़रूरत है। चलो अब इसको जो है मैं नीचे की तरफ छोड़ आता हूँ सीवर के अंदर, और वहाँ से जो है प्लास्टर मिल जाएगा। लास्ट टाइम ना यहाँ पे मैंने लाइक एक सेकेंड, वहाँ पे एक बॉम्ब भी होता है उसके अंदर, तो अगर मैं बॉम्ब फट गया तो मेरा जो D5 है स्टार्ट हो जाएगा। खैर किसी कैसे ना कैसे तो मरना ही है किसी ना किसी तरीके से। अभी मुझे यहाँ पे कितनी भी आवाज़ कर सकता हूँ, यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये हैंडल ना इसमें से जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है गया क्या? अटक गया, चलो बढ़िया। अभी मैं बाहर की तरफ चला जाता हूँ, नानी तो नहीं आएगी ना? ठीक है नानी नहीं आ रही अभी, मैं यहाँ से आराम से निकल सकता हूँ, यहाँ तक मुझे पता है।
क्योंकि अभी ना मुझे यहाँ पर 2 दिन नहीं हुआ और मैं इस साइड से जाऊँगा, क्योंकि उस साइड से अगर उसने धप्पा कर दिया तो प्रॉब्लम वाली बात। एक सही से जाना है ना मुझे। चलो मतलब मैंने वहाँ पे 3 चीज़ें लगा दी हैं, अब तीनों को चीज़ों को मुझे यहाँ पे अनलॉक कर लेना होगा। फटाफट से नीचे चल लेता हूँ अभी ना, मुझे बस इससे बच के रहना होगा, नहीं तो अगर एक बार इसने मुझे मार दिया और एक बार मेरे मुँह पर बॉम्ब फट गया ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा और मुझे फिर से ये वाला जो एस्केप है करना पड़ेगा। उस पर इस विंच हैंडल को उठा लेता हूँ बाहर में जाए, क्योंकि अगर विंच हैंडल काम नहीं किया ना वहाँ पे तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके पैर दिखाई क्यों नहीं दे रहे मुझे? आजा भाई, यहाँ हूँ मैं, आजा। ये बता नहीं नानी की जो बेटी है ये नानी की तरह इसके कान अच्छे हैं कि नहीं है। वैसे कुछ कहते हैं खरे के कान कहते हैं कुछ, जिनके कान में पावर ज़्यादा होती है सुनने की। आजा, किधर है ये? इस साइड में नहीं है, किसी भी साइड आ सकती है वो। ये दोनों साइड जो है देखते रहना चलना पड़ेगा। आजा, आ गई, ठीक है। तो वो जो है इस साइड है, मेरे साइड ही आ रही है वो। आजा, चलो अभी सबसे पहले इस हैंडल को वहाँ जाके लगा दूंगा, लेकिन उसके लिए जो है जब तक ये यहाँ इस साइड नहीं जाएगी ना जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये जाएगी नहीं, बड़ी ख़राब है, यही मेरा वेट कर रही है ये। इसका जो पैर है मुझे दिख रहा है, मतलब ये जो है मेरे साथ छुपन छुपाई नहीं खेल सकती अपनी नानी की तरह, नानी जाके मुझे धप्पा कर दे, ठीक है। तो इसके पीछे पीछे जाऊँ क्या मैं? डर लग रहा है मुझे। ठीक है, मैं जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुड़ेगी, ये मुड़ेगी यहाँ से, ये मुड़ी 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 मुड़ी, ये मुड़ी, ये मुड़ी, ये मुड़ी मुड़ी मुड़ी, ठीक है। मतलब इससे ना मुझे एक टाइप से बचने का जो तरीका है वो आ गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते। और मुझसे ना मतलब स्लो है, क्योंकि इसके 8 पैर है ना, मेरे 2 पैर है, लेकिन तब भी ये जो है मुझसे फास्ट नहीं चल पा रही, क्योंकि मतलब मैं इंटरनल के अंदर तो बैठ सकता हूँ बट ये ना इंटरनल के अंदर बैठ नहीं सकती, ठीक है। मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा, मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा यहाँ पे। और वैसे मुझे 3-3 आइटम्स लगाने हैं यहाँ पे आके, तो इससे तो मुझे जो है इसका तो लाइक गेम बजाना पड़ेगा। नानी की तरह क्या पता मैं इसको भी लाइक बेहोश कर सकता, अगर मैं इससे बेहोश कर सकता हूँ तो ज़रा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये मर सकती है नानी की तरह, या बेहोश हो सकती है थोड़ी देर के लिए, या फिर नहीं हो सकती, इसके बारे में ज़रूर से आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अरे यार ये यहीं क्यों खड़ी है? तो काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक रास्ता है, मैं यहाँ इस वाले रास्ते से चल लेता हूँ। चलो बढ़िया, ये लग जाए इसमें। अरे यार मुझे लीवर चाहिए, यहाँ लगेगा नहीं। पैडलॉक की, एक सेकंड, रस्सी पैडलॉक की, चलो ये तो मेरे पास है, और चेन कटर है, ये नहीं लग रहा यहाँ पे, इसको मैं यहीं फेंक देता हूँ। इसका यहाँ पे कुछ काम भी नहीं है, ठीक है। तो इसका काम नहीं है मतलब मुझे ना यहाँ पे हैमर चाहिए पड़ेगा, क्योंकि हैमर से ही मैं बाकी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से हैमर ना इसी साइड था, नहीं इस साइड नहीं था, इसी साइड था क्या? नहीं शिट, हैमर को लेने के लिए यहाँ पर मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, समझ गई ना? हाँ, तो हैमर को लेने के लिए ना यहाँ पर मुझे लाइक एक लीवर भी चाहिए जो कि कार के गैराज में पड़ा हुआ है। फटाफट जाके उस लीवर को यहाँ पे मैं ले आता हूँ, एक सेकेंड। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पर आ गई मेरे पीछे पीछे। चलो बच गया मैं, बच गया बच गया, ठीक है। अब इन 2 चीज़ों को ना मैं वहाँ रख देता हूँ सामने की तरफ, यहाँ पटक देता हूँ मैं बस। अगर ज़्यादा आगे पटकूंगा ना तो वो उसके मतलब वो अपने पैरों में बैठा के ना उसे ले जाएगी, मतलब दोनों चीज़ों को जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की हैं। इसको भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। चलो अभी मुझे हैमर चाहिए, और हैमर के लिए चाहिए पड़ेगा मुझे एक व्हील, जिससे कि मैं काम कर सकूँ अपना उसको खोल के। तो मुझे जाना होगा यहाँ पे, क्योंकि जो व्हील है वो पड़ा है यहाँ पे। अभी ऊपर जाऊँ क्या? पैरों की आवाज़ सुन लेता हूँ, नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आ रही ना, नानी नहीं है, दूर दूर तक नानी नहीं है यहाँ पे। चलो अभी मैं किधर लगाऊँ इसको? मैंने कुछ आवाज़ करी क्या? मुझे लग रहा है मैंने कुछ आवाज़ की है। तो खैर इसको मुझे कहाँ लगाना है? उसको मुझे वहाँ वापस डालने जाना है। वैसे मैं इसे डाल तो वहीं से सकता था ना मैं, चलो मैं वापस चला जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी खैर यहाँ पे नानी को बेहोश कर दूँ मैं। आ जाओ नानी वापस से, आ जाओ, ये लो सुई खाओ, इस बार तो बिल्कुल पेट में पड़ी है। चलो इसको ना मैं नीचे से ही डाल देता हूँ, फालतू से ऊपर जाने का मतलब ऊपर से डालने का क्यों रिस्क उठाऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो जाएगा भी नहीं। तो मैं जो है किधर से जाऊँ, किधर से जाऊँ, यहीं से जाना है, ठीक है।
नानी ने रास्ता रोक रखा है मेरा, हट जा रे, हट जा नानी, हट जा हट जा, हट गई। फटाफट से इसको नीचे जाके वहाँ पे लीवर लगा दूंगा जिससे कि वो जो रास्ता है वो वहाँ पे ओपन हो जाए, और उसके अंदर से जो है मुझे लाइक जो हैमर मिलेगा क्या? हाँ हैमर ही मिलेगा या फिर हैमर नहीं मिलेगा? अरे उसमें हैमर था ही नहीं, उसमें तो प्लायर था यार। फालतू में इसको लेने गया। खैर यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन तो नहीं है कि वो दोनों चीज़ें वही थी कि नहीं थी, तो एक काम करता हूँ इसको यहीं पर डाल देता हूँ सबसे पहले तो मैं। ऑल राइट, तो मेरे हिसाब से मुझे जो है इसका काम यहाँ पे नहीं आने वाला है, बट अगर मैं इसको खोलूँगा तो बॉम्ब से भी फूट सकता हूँ, और बॉम्ब से मैं फूटना नहीं चाहता। इसको देख लूँ ये किधर है, किधर वो इस साइड है, ठीक है वो साइड में है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको लेके जाके अगर मैं मतलब इसको ना मुझे सामने की तरफ लगाना होगा, तभी जो है वो इस साइड वाला जो गेट है वो यहाँ पे ओपन होगा, और मेरे हिसाब से हैमर जो है मुझे इन्हीं किसी रूम में मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे हैमर यहीं कहीं मिला हुआ था। ठीक है वो आ रही है, आ रही है वो, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब देखना होगा कि वो जो है किस साइड जाएगी। इसने आना बंद कर दिया क्या? उसने आना बंद कर दिया, पता नहीं किधर चली गई। खैर अगर ये चली गई है तो अच्छी बात है। ठीक है ये रहा हैमर, मैं सोच ही रहा था यहीं कहीं मिल जाएगा। अब इस हैमर से जाके फटाफट से उसको खोल लेता हूँ जिससे कि मुझे और चीज़ें मिल सकें, जिससे कि मैं कंफर्म हो पाऊँ कि मुझे जो चीज़ें हैं वो किधर मिलने वाली है। नानी अभी नहीं उठी होगी। ठीक है चलता हूँ मैं कौए के रूम में, बढ़िया आराम से कौए के रूम में जाने से पहले यहाँ पटक देता हूँ उसको मैं, क्योंकि कौए का जो रूम है वो ऊपर की तरफ है और नानी ना अभी यहाँ आएगी। एक सेकंड में इधर ही क्यों जा रहा हूँ। चलो चलो कौए का रूम, कौए के रूम में फटाफट से उसको फोड़ता हूँ। अगर कौए के रूम में मुझे कुछ नहीं मिलेगा ना तो मुझे ना ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब स्पाइडर सेल के आसपास, वहाँ पर शायद से मुझे कुछ मिल सकता है। ठीक है मैंने आवाज़ कर दिया यहाँ पे, अब नानी ना इधर आती होगी। ये क्या पड़ा है? अब वुडन स्टिक, पता नहीं ये क्या क्या चीज़ है भाई, स्टिक पता नहीं क्या काम होगा, लेकिन मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। नानी आती होगी यहाँ पे। चलो बच गया मैं, बच गया बच गया। अब हैमर तो मैं ऊपर की तरफ ही छोड़ा है, ये पता नहीं वहाँ काम आएगा या फिर नहीं आएगा। वैसे नानी तो उस साइड गई होगी। फटाफट से ना इसको लेके जाके मैं इसके अंदर छोड़ देता हूँ। वुडन स्टिक से शायद से काम मेरा नहीं होगा। मैंने आवाज़ कर दी, नानी को सुलाया भी नहीं है मैंने। ठीक है बात बन गई है। चलो 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 नानी आएगी, आएगी मेरे पता 100% कह सकता हूँ वो आएगी, क्योंकि वो सोई तो थी नहीं, लेकिन अभी तो सुलाना पड़ेगा, अभी से सुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब ना मुझे स्पाइडर सेल के अंदर वापस जाना है। उस वुडन स्टिक को लगा के देखूंगा, वैसे वुडन स्टिक कैसे लीवर के में काम आ सकती है, फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। उसी के साथ साथ ना चाबी वगैरह भी ले जाऊंगा। चलो आ गई है। स्पाइडर सेल के अंदर जाने का ना मतलब एक और रास्ता होना चाहिए, लेकिन रास्ता है नहीं, क्या किया जाए। छोटे छोटे रास्ते अब यहाँ से तो मतलब ये जो कार वाली जगह है ना वहाँ से मैं कूद के तो जा नहीं सकता, मतलब मुझे जाना तो यहीं से ही होगा। अभी हट जा रहा है यार, हट जा। चलो यहाँ से हट गई है, अभी फटाफट से उसके अंदर चल लेता हूँ। ठीक है ये साउंड ना मुझे बड़ा क्रीपी लगता है। चलो और ये पानी, ऊपर से पानी से भी नहाना पड़ता है, स्पाइडर का ही पानी होगा ये, इतना गंदा। चलो वुडन स्टिक यहाँ से उठा लेता हूँ सबसे पहले, तो ये काम आ जाए तो बस मज़े ही पे मज़े ही मज़ा हो जाए। सबसे पहले इसी को लेके जाऊँगा मैं। किधर होगी ये? एक सेकंड इधर ही थी। चलो ये आ क्यों नहीं रही, आ जाना। चलो ये वापस जा रही है, बढ़िया। अभी किधर जाएगी ये, किधर जाएगी? इसी साइड में जाना था इसको। ठीक है इधर से नहीं जा रही तो मैं यहीं से चले जाता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी इसको यहाँ लगा दे के देख लेता हूँ मैं, लग जाए तो बढ़िया है। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो लीवर की तरह काम कर गया है, मतलब मैंने एक चीज़ यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया है। इसको बता रही है कि मैं यहाँ पर हूँ और ये वहीं पर गई है। चली जाए तो बेटर है, मैं दूसरा सामान भी यहाँ पे लेते आऊँगा, लेकिन जाएगी नहीं ये, मुझे पता है जाएगी नहीं। चली जाना,
ये घूम के आएगी। नहीं जा रही है, जा रही है, जा रही है, बढ़िया 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 बढ़िया, चली जा चली जा चली जा। अब क्या होता, अब तो मैं यहाँ पे आ गया, अब क्या लेके जाऊँ, चाबी लेके जाता हूँ, हटाओ, कुछ नहीं कर पाएगी मेरा जादू, निकल। मतलब वैसे ना बचने का बढ़िया तरीका मिल चुका है मुझे, इनके अंदर छुप जाओ आके, ये कुछ कर ही नहीं पाएगी। डे 4 चल रहा है मेरा। गई क्या? नहीं गई, अभी भी यहीं खड़ी है। चलो अभी ये सेट जा रही है, बढ़िया, ये साइड में चली गई। फटाफट से यहाँ पे दो काम कराता हूँ मैं, एक सेकंड, ये मेरे पीछे ही आएगी, मुझे पता था ये बड़ी चालाक है नानी की तरह, नानी की आखिर बेटी है। चलो ये भी खुल गया, अब यहाँ पे ये काटना है बस मुझे, और उसके बाद मैं यहाँ पे सीवर से एस्केप कर लूँगा। किधर है ये? इस साइड से जाऊँ, उस साइड से जाऊँ, किस साइड से जाऊँ मैं, किस साइड से जाऊँ? देखो इस साइड से आ गई है, आ जा आ जा आ जा आ जा। ये काम करता हूँ मैं, यहाँ से निकल लेता हूँ। एक सेकेंड, भागो 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 भागो, बच गया बच गया बच गया। चलो बस यहाँ पे इसको जाके उस चेन को काटना है मुझे, और यहाँ पे काम हो गया ख़त्म। भागो 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 भागो, और यहाँ पर मैं आ गया, इससे ही कट जाए, कट गया फाइनली। यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों जो लॉक हैं ये ओपन कर लिए हैं, अब यहाँ पे मुझे भागने से कोई नहीं रोक सकता। फटाफट से इस गेट को भी मैंने ओपन कर लिया, और मैं चला इस सीवर के अंदर, 1, 2 और 3, यहाँ पे कोई नहीं आ पाएगा मुझे रोकने के लिए। और ये हो गया मैं यहाँ पे ग्रैनी के चैप्टर 1 में सीवर से एस्केप। जो ग्रैनी है वो भी यहाँ पर कैसे आ गई, मतलब ये छोटी छोटी जगहों में से कैसे आ सकती है, शायद से इसका कोई सीक्रेट रास्ता होगा। और खैर ये तो अंदर आ नहीं सकती है, तो भारी रहेगी। तो इसका मुंह तो देखो, मतलब नानी की जो बेटी है वो नानी से भी बदसूरत लगती है। और यहाँ पे इस चैप्टर का भी हो चुका है दी एंड। तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये जो एस्केप है इसको करने में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मतलब ना उस वाले पहले वाले एस्केप, कार वाले एस्केप से ये वाला जो एस्केप है मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि मुझे पता था कि जो सामान है वो किधर किधर मिलेगा, क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड से जो है मुझे आइडिया लग गया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। इस चक्कर में वाला जो एस्केप है ये जो है यहाँ पे काफ़ी जल्दी हो गया। तो अगर आपको ये जो एपिसोड है पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ ग्रैनी के एक और न्यू एपिसोड में, अगली वाली वीडियो में, ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक ये हमेशा की तरह खुश रहिएगा।